नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल प्लस जे का यूज करना। देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे का यूज हम लोग कब करते हैं। अगर आपका डेटा कुछ इस टाइप से हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा जो है आपका ब्रेक होके यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ, जब आपको इस डेटा में यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नेम है, उसके नीचे जो सेकेंड नेम है, ये जो है थर्ड नेम है, इसकी जो सिटी का नेम है और ये जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ लास्ट नेम चाहिए, सिटी नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। इस टाइप का डेटा जब आपको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जब आप यहां पे क्लिक करोगे ना, यहां देखिए फर्स्ट ही दिखा रहा है, जब यहां पे आप क्लिक करके डाउन जाओगे तो यहां पे देखिए नीचे की ओर यहां पे आता जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो मुझे यहां पे क्या करना है, देखिए आपको करना क्या है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस टाइप का डेटा लिखते हैं कैसे है। इस टाइप का लिखने के लिए आपको फर्स्ट में लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, ऑल्ट एंटर आपको प्रेस करना है, ऑल्ट और एंटर को एक साथ प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है दूसरा डेटा लिखेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, फिर से तीसरा डेटा करेंगे, तो इस टाइप से जो आप डेटा लिख सकते हैं वन बाय वन, एक ही सेल में जो है आप एंड ऑन करके आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे अभी क्या करना है, लिखना नहीं है अभी, मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, जितना भी डेटा को आपको कन्वर्ट करना है, मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से सभी डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ये सभी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे डेटा में, ओके, डेटा में जाने के बाद जाना है टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे क्या है टेक्स्ट टू कॉलम, आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, ओके। जब आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू विंडो जाएगा, पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है डेली मीटेड फर्स्ट वाला, ओके, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे जो है डेली मीटेड का ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन आएगा टैब में देखिए तो यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम काम नहीं करेगा, कॉमा भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, स्पेस भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कर रहा हूँ अदर्स, अदर्स में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो है आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है कंट्रोल प्लस जे, क्या प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जे, यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है अभी, क्या नहीं दिख रहा है। जब आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे, देखिए मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस जे, एक साथ प्रेस किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो देखिए आपका सारा नेम जो है यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी नेम, मोबाइल नंबर सभी कुछ यहाँ पे सेपरेट कॉमा में प्रीव्यू में दिखा रहा है। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ से स्टार्ट करना, मुझे फर्स्ट नेम कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नेम के लिए चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिंपली फिलिश करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, आपका काम हो गया है, क्या हो गया, देखिए इस डेटा के अंदर से फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे ला के दिया, सेकंड नेम जो है यहाँ पे ला के दिया, आपका जो सिटी का नेम है इस डेटा के अंदर ये सिटी का नेम है यहाँ पे ला के दिया, और नेक्स्ट जो है ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ला दिया। इसी तरह से सभी सेल को यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये काम किया मैंने कंट्रोल प्लस जे की हेल्प से। तो किस तरह से कंट्रोल प्लस जे काम किया आपको पता चला होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।